नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वामा वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी एंड मंदिरा, जिसमें हम बात करते हैं कई मंदिरों की। हम आपको कई मंदिरों के दर्शन कराते हैं, साथ ही साथ कई आचार्य और गुरुओं जी से भी मिलवाते हैं, जिनकी वाणी आप तक पहुंचती है और आपको कई ज्ञान भी देती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ कामतानाथ मंदिर के डॉक्टर मदन गोपाल दास जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में। साथ ही उनके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से वो अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ हम मौजूद हैं चित्रकूट में, जो कि राम की नगरी बताई जाती है, जहाँ पे भगवान राम ने 14 साल में से 11 साल का वनवास काटा था। तो यहाँ पे कड़कड़ में राम बसते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे आचार्य जी से। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से यहाँ चित्रकूट की जो भव्य परम भूमि है, जिसमें श्री राम बसते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे। जब यहाँ भक्त आते हैं तो कैसे उनमें बदलाव देखने को मिलता है, क्या है महिमा है चित्रकूट की? चित्रकूट की महिमा अनंत है। भगवान राम यहाँ 11.5 वर्षों तक रहे। तो चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांत सुपासु। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वाल्मीकि जी से भेंट होती है, और वाल्मीकि जी यह चित्रकूट का वर्णन उनको सुनाते हैं। वो फिर कहते हैं चित्रकूट गिरी, वहाँ पर एक कामत गिरी है, वहाँ पर आप निवास करेंगे, जो हर प्रकार से व्यवस्थित है। भगवान ने जिज्ञासु बन के पूछा भी था, उन्होंने बताया, तो यही चित्रकूट में प्रमुख कूट यही कामत गिरी। तो भगवान यहाँ पर जब लीला के लिए रामघाट में जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ से भगवान शंकर की आज्ञा लेकर के यहाँ पर वो नित्य निवास बनाते हैं, जहाँ पर आप लोग वर्तमान में हैं, दर्शन कर रहे हैं कामतानाथ जी का जी। तो ये कामद गिरी है। कामद माने कामना पूरा, गिरी माने पर्वत। तो कामद गिरी का अर्थ यही है कि अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला ऐसा गिरी। तो भगवान ने जब अपना नित्य निवास बनाया राम जी ने इस गिरी पर, तो ये कामद हो गए, कामना पूरक हो गए। भगवान ने स्वयं इन पर रह करके आराधना की है राम जी ने। तो ये वही स्थल है, और जो विग्रह का हम दर्शन करते हैं वो कामदा नाथ हैं, कामनाओं को देने वाले, प्रदान करने वाले। पूरा पर्वत है जो कामद गिरी, उसका विग्रह के रूप में वो मुखारबिंद है कामतानाथ जी का, केंद्र बिंदु। तो वहीं पर भगवान ने निवास भी किया था जी। वो स्वामी जी ने लिखा भी है, तुलसीदास जी ने, कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। उनका दर्शन मात्र करने से विषादों का हरण होता है। तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं अमावस्या को, और जो भी कामना लेकर के जाते हैं वही कामनाओं को लेकर के 12 अमावस्या जैसे उन्होंने यहाँ प्रार्थना की कि भगवान मेरा ये कार्य पूरा हो गया तो मैं 12 अमावस्या आपके परिक्रमा करने आऊँगा। तो ऐसा जो संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, वो लोग आते हैं तो 12 अमावस्या तक वो परिक्रमा करने आते हैं हर महीने। तो ऐसे लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु हैं जो हर अमावस्या को परिक्रमा करते हैं। तो ये विश्व वंदनीय है, तीर्थ स्थल है। भगवान राम वनवास काल के सर्वाधिक समय चित्रकूट धाम में व्यतीत किए, इसी जगह पर व्यतीत किए जहां पर हम सब लोग दर्शन करते हैं। ये जो परिक्रमा है कामतानाथ जी की, ये कितनी बड़ी है, कितने किलोमीटर में फैली हुई है? ये जो कामदगिरी की परिक्रमा है ये 5 किलोमीटर की परिधि में है जी। और इसमें 4 द्वार हैं, प्रमुख द्वार यही है, चारों दिशाओं में है कामदगिरी में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ऐसी मान्यता है कि अत्रि जी ने यहाँ का वर्णन किया है 4 द्वारों का जी। अत्रि जी चित्रकूट धाम के प्रमुख ऋषि थे, और अपने यहाँ वो विश्वविद्यालय भी चलाया करते थे प्राचीन काल में, और वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए अनेक महापुरुष उनकी पाठशाला में पढ़ने के लिए आते थे, और उनकी पाठशाला में अनेक ऋषि मुनि जो यत्र तत्र तीर्थों में रहे हैं वो आते थे, और यहाँ पर चित्रकूट में रह करके शिक्षा दीक्षा लेते थे, और फिर वापस में वो अपने स्थान पर पुनः वापस जाया करते थे। तो जब भगवान राम यहाँ पर रहे
उन्होंने जो भी लीलाएं की, तो यत्र तत्र 84 कोस की परिधि में चित्रकूट धाम है। जी। तो सुतीक्षण, सर्वभंग हैं, अगस्त ऋषि हैं, चंद्रमा हैं, दुर्वासा हैं, ये सब यहीं के ऋषि मुनि रहे। तो भगवान अत्रि जी के आश्रम में जाते हैं, उनसे भेंट होती है, अनसुईया जी से भेंट होती है, फिर आदि आदि सारे ऋषि मुनियों से मिलने के लिए भगवान जाते हैं चित्रकूट में ही। तो ऐसे उन्होंने 11.5 वर्षों तक रह करके ये नित्य लीला की है, और नित्य निवास कामदगिर पर रहता था। भगवान सुबह निकलते थे वन विहार के लिए, फिर वापस आ जाते थे। मंदाकिनी के तट पर लीला भगवान करते थे। निवास का मुख्य केंद्र बिंदु कामदगिरी ही था, यही स्थल था कामधाम। जी, अगर मंदिर के बारे में जानकारी चाहे कि किस तरह से, किस समय पे आरती होती है, किस तरह से पुजारी भगवान की सेवा करते हैं, आप किस तरह से सेवा करते हैं, तो इसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों। हमारे यहाँ जो भगवान का नित्य अभिषेक होता है माँ मंदाकिनी के जल से जी, फिर प्रातःकालीन मंगला आरती होती है कामतानाथ जी की जी। और जहाँ पर राम लक्ष्मण जानकी के विग्रह स्थापित हैं, जहाँ पर भगवान रहे वही गर्भगृह है जी, तो वहाँ पर भगवान की नित्य सेवा चलती है। तो प्रातःकालीन मंदिर की जो मंगला आरती है वो 4:30 बजे होती है सुबह, और इसके बाद भगवान का भोग लगता है, और उसी मंगला आरती के पूर्व में भगवान के वस्त्रादि पहनाए जाते हैं, श्रृंगार पूरा होता है, गंगा स्नान होता है, मंगला आरती होती है, इसके बाद भोग लगाया जाता है जी। फिर वो भोग प्रसादी जब जैसी लग जाती है तो वो सब में वितरण की जाती है भक्तों में। इसके बाद सारे भक्त लोग आरती पूजन अपने अपने ढंग से करने लगते हैं, प्रातः परिक्रमा भी करने लगते हैं सारे भक्त लोग जी। इसके बाद फिर यहाँ पर भंडारा चलता है, अन्नपूर्णा सेवा, कामदगिरी अन्नपूर्णा सेवा, वहाँ पर भंडारा हजारों श्रद्धालुओं के लिए तैयार होता है, फिर वो भोग लगता है 11:30 बजे भगवान जी। फिर इसके बाद सारे लोग 11:30 बजे भोग लगेगा, और फिर वो प्रसाद वितरण चालू हो जाएगा। तो दीन दुखी जो लोग हैं, संत लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वो श्रद्धालु लोग जी, वो अनवरत भंडारा चलता रहता है। फिर इसके बाद दोपहर में थोड़ा शयन होगा भगवान का जी, और इसके बाद फिर शयन से भगवान उठेंगे तो 4 बजे शाम को भगवान की जागरण की थोड़ी सी आरती होगी। इसके बाद फिर भगवान के पट खुले रहेंगे हमेशा के लिए, तो वही रात्रि में 8:30 बजे शयन आरती होती कामतानाथ जी की जी। हाँ, तो शयन आरती जैसे होगी तो वो भंडारा फिर से भोग लगेगा भगवान का, वो भंडारा फिर से चालू हो जाए, और भगवान के पट जो है 9:00 बजे तक विश्राम में भगवान चले जाते हैं, शयन हो जाता है। फिर मंदिर की वही है धुलाई होगी जी, और सारे अपने जितने भी ठाकुर जी विग्रह उनको शयन हो जाएगा, और केवल एक दीपक ही जलता रहेगा जी। तो ये पूरे दिन की हमने जान ली किस तरह से भगवान की सेवा करी जाती है। जो भगवान के भक्त है, जो उनमें आस्था रखते हैं, जो चित्रकूट में आस्था रखते हैं, वो भगवान को 24 घंटे नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल दर्शन की, वर्चुअल रूप से दर्शन की, तो आपको क्या लगता है, अगर जो भक्त हैं वो अगर चित्रकूट धाम नहीं आ पाते हैं, वो घर से अगर दर्शन करें, तो क्या उन्हें वही फल मिलेगा जो मंदिर पहुंच के मिलता है, आपका क्या मानना है? हाँ, मन बुद्धि विचारों से वो जुड़ेंगे। हम किसी भी चीज़ का दर्शन करते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो घटना काल मेरे सामने आ जाता है मन बुद्धि विचारों। तो वैसे ही हम कहीं पर व्यस्त हों, कहीं पर भी बैठे हों, हमारे मन में निगेटिविटी आ रही हो, तो हम जैसे ही उसका दर्शन करते हैं, तो वो चाहे मोबाइल के माध्यम से करें या ऐप के माध्यम से करें या आपके चैनल के माध्यम से करें, तो फिर वो सीधा व्यक्ति वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से। तो फिर मन बुद्धि चित्त जो दूसरी जगह निगेटिव की ओर था, नकारात्मक दिशा की ओर, वो सकारात्मक में परिवर्तन हो जाए, तो वो सीधा भगवान से जुड़ेगा, उसको उसका लाभ जरूर मिलेगा जी। तो
आचार्य जी ने बताया कि मन में अगर शांति भक्ति और श्रद्धा हो तो उसका लाभ जरूर मिलता है। अब हमारे साथ आचार्य देव जी मौजूद हैं जो कि वामा ऐप के फाउंडर भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि वामा द्वारा क्या कुछ सुविधाएं श्रद्धालु और भक्तों को दी जाती है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह से भक्तों तक भगवान को पहुंचा रहा है आपका ऐप। देखिए, ये जो वामा का गठन हम लोगों ने किया है तो इसका सीधा सा जो मतलब है वो ये है कि धर्म का किस तरीके से प्रचार हो सके। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, आ नहीं सकते हैं, या देश में नहीं है, विदेश में है, उनकी आस्था भारत के बहुत सारे मंदिरों में है। जैसे कामतानाथ में बहुत सारे गुरु जी ने बताया कि 15-20 लाख लोग महीने में आते हैं, तो सोच सकती हैं कि कितनी आस्था होगी लोगों में। बहुत सारे लोग नहीं आ पाते होंगे क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं सही है, घर में समस्या है, लेकिन उनकी आस्था इस मंदिर से, गुरु जी से जुड़ी हुई है। तो ये वामा हम लोगों ने इस तरीके का ऐप बनाया है कि आप घर बैठे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं, और कुछ चढ़ावा चढ़ाना है तो आप डायरेक्ट इस मंदिर के अकाउंट में आप दे सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम वर्चुअल कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एक पहला ऐसा ऐप है जो वर्चुअली मंदिरों को ऑनलाइन ले, भारत के जितने भी मंदिर हैं, हमारा एक खुद का टारगेट है कि भारत के जितने मंदिर हैं हम सबको ऑनलाइन लाएंगे, ताकि जो व्यक्ति जहां बैठा है वहीं अपने भगवान का, जहां पे उस मंदिर में इसकी आस्था है, वहां से वो दर्शन कर सकता है। सबसे बड़ा मेरा कारण ही यही है इस ऐप को बनाने। जी आचार्य जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से वामा ये कदम बढ़ा रहा है, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया तक पहुंचेगी हमारे मंदिरों की, हमारे जो हिंदुत्व है, जो लोगों की आस्था है, ये उससे जुड़ा हुआ है, तो क्या इसे बढ़ावा देना चाहिए, ये कितना सही है, और लोगों तक जब पहुंचेगी तो क्या उनकी श्रद्धा और बढ़ेगी मंदिरों की तरफ? क्योंकि आज के युग में जो युवा है खासतौर पर, वो काफी व्यस्त हो चुके हैं। बचपन में उनको कहानियां भगवान के प्रति आस्था तो दी जाती है, लेकिन बड़े होते होते वो तब व्यस्त हो जाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं। जो वृद्ध हैं वो अपने स्वास्थ्य के चलते मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो डिजिटल अगर हो जाएगा चीजें, मंदिर भी अगर डिजिटल हो जाएगा, तो भक्तों को कितना लाभ मिलेगा? हाँ, ये वामा ऐप के माध्यम से जो भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो अच्छे ही हैं। हमारी संपूर्ण भारत की भूमि तीर्थ है, तपोभूमि है, तो यहाँ पर जितने भी मठ मंदिर बने हुए हैं वो हमारी संस्कृति है, भारतीय धरोहर है, और उसी परंपरा में हमारा राष्ट्र चलता है। तो वर्तमान में जो विसंगति आ रही है, तो धर्म क्षेत्र की ओर नहीं जा पा रहे लोग, नहीं जुड़ पा रहे हैं, भौतिकवाद की ओर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस ऐप के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से दर्शन करेंगे तो उस ओर वो बढ़ेंगे, और मंदिर नहीं जा पा रहे तो उस माध्यम से वो मंदिर तक पहुँचेंगे, और उस दिशा की ओर उनकी सोच बढ़ेगी, और अपने साथ भी वो कई लोगों को लेकर के जाएंगे, तो तीर्थों में भी पहुंचेंगे, मठ मंदिरों में भी पहुंचेंगे, धार्मिक कथा प्रवचन हो रहा है वहां पर भी पहुंचेंगे, सत्संग की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित है उनका चिंतन वो सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाएगा जी। तो हमारा राष्ट्र उस ओर बढ़ पड़ेगा। ये कदम अच्छा है वामा के लिए जी। जैसे कि हम जानते हैं कि कामतानाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई और अच्छे काम भी किए जाते हैं, वो चाहे गौ सेवा हो या फिर गुरुकुल चलाना हो, इस तरह के कई काम किए जाते हैं, मेडिकल आयुर्वेदिक कैंप भी चलाए जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। हाँ, आयुर्वेदिक है, चिकित्सा पद्धति अपने यहाँ प्राचीनतम है, और औषधालय वहाँ आज भी निःशुल्क ओपीडी होती है, और निःशुल्क दवा वितरण भी देते हैं, और गौशाला है, यज्ञशाला है, पाठशाला है। ये प्राचीन पद्धति जो गुरुकुल की थी आश्रमों में, वही पद्धति चल रही है वर्तमान। तो कामतानाथ जी के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, उन प्रकल्पों से उनको लाभ भी मिलता है, तो वो निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, और इस ऐप के माध्यम से अगर और लोग देखेंगे तो और भी वृद्धि होगी और लोग उससे जुड़ेंगे। हम आपको इसी तरह से मिलवाते रहेंगे कई और आचार्य से, गुरु से, पुजारी से, साथ ही साथ आपको भव्य मंदिरों के दर्शन भी करवाएंगे। आप जुड़े रहिए वामा के साथ।